दिल्ली गेट थाना क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी को दूसरे समुदाय के युवक ने पहले प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद परिजनों के सहायता से उसे देह व्यापार कराने लगा। दूसरे समुदाय के युवक ने किशोरी को अपना नाम दीपक बताया था। किशोरी किसी तरह से चिंगुल से निकल कर आई। किशोरी के बारे में जब हिंदूवादियों को मालूम पड़ा तो उन्हें किसी तरह किशोरी को वहां से पुलिस के पास पहुंचाया। किशोरी ने आरोप लगाया है कि देह व्यापार ना करने पर उसको सिगरेट से जलाया जाता था। किशोरी को 2 माह से गैर समुदाय के युवक ने प्रेम जाल में फंसा कर भोजपुरा के मकान में रखा और वहां देह व्यापार कराया। अच्छा, क्या क्या काम करवाया तुझसे? गंदे काम कराती थी तो तुमने मना क्यों नहीं किया? मैं मना करती थी तो मारती थी, चिल्लाती थी, धमकी देती थी कि मेरी बहुत सोर्स है, तेरी भी नहीं है, हमें पुलिस वाले जानते हैं, अध्यक्ष जानते हैं। तब फिर इसको नाजमा नाम की महिला को बेच दिया। वो इससे धंधा कराती थी लड़की से। लड़की जब मना करती थी धंधा करने के लिए, गंदा काम करने के लिए, तो उसके पैर जलाए जाते थे, जिसका सबूत मैं आपको दे चुकी हूँ। लड़की के पैर जले हुए हैं और किस तरीके से जलाते थे, मतलब सारी सीमाएं पार हो गई बेशर्मी की, जिसे कहा जाए दरिंदगी की सीमाएं पार कर दी। थाना कोतवाली नगर पर एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें पीड़िता ने नज़दीक के मोहल्ले में रहने वाले एक व्यक्ति पर आरोप लगाया था। सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियुक्त पंजीकृत किया गया है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। विवेचना पिछले और इसी बीच औरैया से बड़ी